मैं डॉक्टर मुकेश यादव, प्रिंसिपल गवर्नमेंट एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज बांदा, बुंदेलखंड का तीसरा मेडिकल कॉलेज है, जिसमें से जितना मैंने देखा है बाकी मेडिकल कॉलेजों को, यूपी का कम से कम सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। आप खुद भी देखा होगा आपने, बिल्डिंग वाइज यहाँ का जो लैंड स्केपिंग है, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है, लस ग्रीन एनवायरनमेंट है, और हमारा जो मेडिकल कॉलेज है सिर्फ 500 बेडेड हॉस्पिटल है इसमें, और 21 विभाग होते हैं जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से होते हैं, जिसमें से 8 विभाग वो होते हैं जो प्री और पैरा क्लिनिकल कहलाते हैं हम लोग के, जो फाउंडेशन होती है क्लिनिकल के लिए, और बाकी हमारे क्लिनिकल डिपार्टमेंट होते हैं। जो क्लिनिकल डिपार्टमेंट है उसमें सर्जरी का विभाग जिसमें ऑपरेशन होते हैं, मेडिसिन का जहाँ पे कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट किया जाता है, पीडियाट्रिक्स जहाँ पे बच्चों का इलाज किया जाता है, ऑप्स एंड गायनी जहाँ पे फीमेल का इलाज किया जाता है और डिलीवरी और ऑपरेशन किए जाते हैं। इसी तरह से हड्डी का विभाग होता है ऑर्थोपेडिक्स, जो सर्जरी के साथ आता है, सर्जरी एलाइड कहलाता है वो, और एनेस्थीसिया का विभाग जो कि बेहोशी का काम करते हैं सर्जरी के उनके लिए। इसी तरह से रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे जांचें की जाती हैं, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन। तो अभी मैं आपको विभागों के बारे में बता रहा हूँ, फिर बताऊँगी कि हमारी अच्छाइयाँ क्या हैं और क्या शॉर्ट कमिंग है। अभी मरीज लगभग पर डे आते हैं, पर डे करीब 1000 से लेके 1500 तक मरीज ओपीडी के आते हैं डेली, और इस समय हमारी आईपीडी करीब 160 से 200 के बीच में रहती है। ये कमी क्यों है? वो इसलिए है कि अभी हमारे बहुत से विभाग में डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। अब डॉक्टर अवेलेबल के लिए कई कारण हैं। पहला कारण यह है कि कुछ पद हमारे सृजित नहीं हुए हैं। ये एक थोड़ी सी अनयूजुअल सिचुएशन है जो बाकी मेडिकल कॉलेजों में नहीं है। मैंने जो पता किया, जो इससे साथ में या पहले जो मेडिकल कॉलेज खुले उनके सारे पद 5 साल के एक साथ सृजित कर दिए गए, लेकिन यहाँ पे सरकार की वजह से या कहाँ से क्या रहा, जो पहले यहाँ के प्रधानाचार्य थे या अधिकारी थे उन्होंने इस चीज़ को शायद उतना नहीं समझा इम्पोर्टेंट, तो वो हमारे पद तीसरे बैच तक के अभी तक सृजित नहीं है। मुझे 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है, मैं सरकार को लिख चुका हूँ हर पद के लिए, तो करीब 19 पद चिकित्सा शिक्षकों के सृजित होने हैं, 8 पद रेजिडेंट डॉक्टर्स के सृजित होने हैं, तो ये माल के चलिए 30% की शॉर्टेज है। तो 30% अगर और डॉक्टर हमारे होंगे, और मेनली ये क्लिनिकल डिपार्टमेंट में है, तो मरीजों की संख्या ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, क्योंकि MCI मेडिकल कॉलेजों के लिए मिनिमम IPD जिनको भर्ती मरीज कहते हैं हम लोग इन पेशेंट डिपार्टमेंट में, वो 75% होने चाहिए, तो वो कम है। उसको कम होने से हमारी चिकित्सा शिक्षा प्रभावित होती है कि जब बच्चे क्लिनिकल वार्ड में जाएंगे उतने पेशेंट, उतनी वैरायटी के पेशेंट नहीं होंगे, तो शायद उनको उतना अच्छा एक्सपोजर नहीं मिल पाएगा। तो ये दो एक कमियां हैं, एक तो चिकित्सा शिक्षकों की कमी, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स की कमी जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं स्पेशली, और दूसरी कमी हमारी रेडियोलॉजी विभाग। कोई भी जाँच आजकल के उसमें, चूँकि मेडिकल नेग्लिजेंस और लीगल इस तरह के इशू बहुत उठते हैं, तो इविडेंस बेस्ड मेडिसिन रिकमेंड की गई है कि हर चीज़ का कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए डॉक्टर के फेवर में, और मरीज के लिए भी अच्छा है कि कोई भी बीमारी अगर है तो डॉक्टर उसमें एक प्रोविजनल डायग्नोसिस बनाता है या उसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं कि सपोज मरीज का बुखार का आया है केस, तो वो कोरोना वायरस भी हो सकता है, स्वाइन फ्लू भी हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, तो उनको जांच करने के बाद मेडिकल कॉलेज में कोरोना वायरस को जांच करने की सुविधा है। ये भी मैं आपको चाहूँगा और आपके चैनल के माध्यम से पब्लिक को भी पता होना चाहिए, कोरोना वायरस की जांच की सुविधा यूपी में KGMC को छोड़ के कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि ये स्पेशल टेस्ट होता है और इसके लिए स्पेशल अथराइज लैब की गई हैं। तो जो हम लोगों के पास सरकारी इन्फॉर्मेशन आई हुई है, हमें सैंपल कलेक्ट करके वहाँ पे भेजना है KGMC में, अदरवाइज पूना जो है वायरल लैब वहाँ पे होता था। अभी सरकार ने इसके प्रकोप को कम करने के लिए करीब 6-6-12 लैब और खोली हैं और लैब खोलने का वो चल रहा है। हमारे पास आइसोलेशन वार्ड हमने बना रखा है, डॉक्टरों की ट्रेनिंग कर रखी है, स्टाफ की ट्रेनिंग कर रखी है, और उसके लिए जो भी चीज़ें ज़रूरत की होती हैं, जैसे पर्सनल प्रोफाइलेक्टिक इक्विपमेंट कहते हैं, जो अप्रैन और गॉगल आपने देखा होगा जो लगा के TV वगैरह में दिखाए जाते हैं, तो वो सारे सामान यहाँ नहीं अवेलेबल थे, हमने लखनऊ से मंगाए हैं।
तो वो भी एक समस्या है कि अभी बहुत सी जानकारियाँ लोगों को नहीं हैं। मैं अगर ऑनेस्टली एडमिट करूँ तो शायद हम उतना तैयार नहीं है कोरोना वायरस के लिए जितना होना चाहिए। फॉर्चुनेटली अभी तक बहुत कम केस आए हैं क्योंकि सरकार ने सबको वहीं पे एयरपोर्ट पे ही उनकी स्क्रीनिंग हो जाती है, वहीं आइसोलेट करके रखा हुआ है, तो अभी उतना फैला नहीं है। लेकिन ये कब फैलेगा, क्योंकि अमेरिका जैसी डेवलप्ड कंट्री में भी अगर फैल सकता है और वहाँ 6 मौत हो चुकी हैं, तो हम सबको भी उसके लिए तैयार रहना चाहिए। हम इसके लिए जागरूकता अभियान और अपने डॉक्टरों को, स्टाफ को ट्रेनिंग का डेली कर रहा है, मैं खुद उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। कौन कौन सी जांचें हैं जो यहाँ पर हो जाती हैं? हमारे यहाँ ब्लड की सारी जांच हो जाती हैं। सिर्फ अल्ट्रासाउंड की मशीनें हैं, लेकिन अल्ट्रासाउंड नहीं कर सकते हम, क्योंकि उसके लिए PNDT में डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। वो रजिस्ट्रेशन सिर्फ रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर का होता है, हमारे यहाँ एक भी रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, और अनफॉर्चुनेटली पूरे बांदा में कोई नहीं है। जो भी है प्राइवेट वाले कर रहे हैं, वो भी आउटसोर्स करके एम्प्लॉय को लेके आते हैं, उनकी रिपोर्ट कितनी सही है मैं उस पर क्लेम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे मरीज भी वहीं से कराते हैं मजबूरी में। सीटी स्कैन हमारे यहाँ नहीं है, सीटी स्कैन की प्रक्रिया चल रही है, डीजी लेवल पे होना है, वो प्रक्रिया काफ़ी दिन हो गए, उसमें भी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, नहीं हो पा रहा वो। जो मरीज आपके यहाँ बाहर से आते हैं या जांच के लिए आते हैं या इलाज के लिए आते हैं, कितने प्रतिशत मरीज ऐसे हैं जो पूरी तरह से संतुष्ट होकर जाते हैं? जो भर्ती हो रहे हैं मरीज और जिनकी सुविधाएं हमारे पास हैं, वो तो सारे संतुष्ट होकर जाते हैं। लेकिन कुछ मरीज जो सीरियस मरीज होते हैं, जिनमें हमें ये नहीं पता है, जैसे सपोज हेड इंजरी का आया, एक्सीडेंट का केस आया, उसमें सीटी स्कैन पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो सीटी स्कैन ही नहीं है तो हम डायग्नोसिस नहीं बना सकते हैं, तो उन केसों को हमें मजबूरी में रिफ़र करना पड़ता है, या तो कानपुर, आगरा, या मेरठ, या लखनऊ, जो भी मरीज़ की चॉइस होती है, या डिपेंड करता है टाइम कितना अवेलेबल है। तो वो मरीज की, कई मरीजों की बेचारों की रास्ते में भी डेथ हो जाती है, कुछ की अस्पताल में पहुँचने के बाद होती है, क्योंकि देर होने से हम लोग को एक वो कहा जाता है गोल्डन आवर, मरीज़ की जान बचाने के लिए हमारे पास 1 घंटा होता है, तो उसमें हम जितनी अगर उसकी वो कर सकते हैं ट्रीटमेंट और इस तरह की जांच, जिससे फाइनल डायग्नोसिस हो जाए और ऑपरेशन की ज़रूरत है तो ऑपरेशन कर पाएँ। दूसरा वेंटिलेटर्स या क्रिटिकल केयर, क्रिटिकल केयर बेड हमारे पास हैं लेकिन ट्रेंड स्टाफ नहीं हमारे पास। तो जैसे हुआ एक एक्सीडेंटल हुआ तो ये तो ट्रामा में आपके आते होंगे, हाँ। और बाकी जिनके पास काफ़ी दिन से जिनको बीमारियां चल रही हैं वो आ रहे हैं मेरे, जो उनका इलाज हो रहा है, उनका इलाज हो रहा है, सारी जांचें हो, लेकिन नहीं सारी नहीं, मान लीजिए कैंसर का उनका निकलता है तो फिर कैंसर का हमारे यहाँ इलाज नहीं है। हार्ट की कोई प्रॉब्लम निकलती है तो उसका इलाज नहीं है। हेड इंजरी हेड से रिलेटेड है, इनको सुपर स्पेशलिटी विभाग कहते हैं, जहाँ उनकी ज़रूरत है, उनका इलाज नहीं होता, उसके लिए हमें भेजना पड़ता है बाहर। बांदा मेडिकल कॉलेज में मतलब ऐसा कौन मरीज है जो मतलब जो आए और उनको पूरी तरह से इलाज यहाँ पर मिल जाएगा? हमारे यहाँ गायनी ऑप्स के जैसे डिलीवरी हमारे यहाँ हो रही हैं, उनके ऑपरेशन वाले जो केस होते हैं वो हो रहे हैं, और करीब 250 केस हो चुके हैं इस साल हमारे यहाँ। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि इन सब सरकार की भी सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है किसी भी देश की स्वास्थ्य सेवाएँ, वहाँ की इन्फेंट मॉर्टिलिटी, बच्चों के मरने की दर, और मातृत्व मृत्यु दर, इससे जाना जाता है। क्योंकि कोई भी समाज जो अपने बच्चों और अपने घरवाली का इलाज नहीं करा सकता तो सेंसिटिव समाज नहीं कहलाता है। तो अगर उसमें हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और इनको इन दरों को इम्प्रूव करने में मदद हो रही है सरकार की या बुंदेलखंड रीजन की, तो ये बहुत बड़ी सुविधा है। सरकार की जो योजनाएं चला जा रही, भारत सरकार या प्रदेश सरकार द्वारा, उस सारी योजनाओं का लाभ यहाँ मिल रहा है? ज़्यादातर योजनाओं का लाभ हमारे यहाँ मिल रहा है, जैसे जननी सुरक्षा योजना का हमारे यहाँ मिल रहा है, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत के जो मरीज हैं आयुष्मान योजना वाले, उनका इलाज हो रहा है, पर उनमें उन मरीजों का जिनमें मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं और जो हमारे यहाँ विशेषज्ञ नहीं अवेलेबल हैं, उनको हमें फिर रेफ़र करना पड़ता है। आपके यहाँ स्टाफ जो आउटसोर्सिंग स्टाफ है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, कई जानकारी अभी मैंने जैसे आपको बताया कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी में कम से कम सबसे अच्छा है, और आप कहीं पे भी जा के देख लीजिए, आपने भी बहुत से मेडिकल कॉलेज देखे होंगे, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं नहीं है। पहली चीज़, इक्विपमेंट हमारे पास ऑलमोस्ट 99% है। समस्या सबसे बड़ी मैन पावर की है, और उस मैन पावर सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसे हमारे आप 100 एकड़ से ज़्यादा का कैंपस है और आपको दिखा होगा कोई भी सुरक्षाकर्मी नहीं है,
तो सुरक्षाकर्मी से कैसे अफेक्ट होगा वो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। जो मरीज आते हैं विलेज बैकग्राउंड के होते हैं, उनको बेचारों को जानकारी भी नहीं होती है, जिसको हम लोग कहते हैं अनसिविलाइज्ड एक तरह से, और उनको पैनिक होता है अपने मरीज के बारे में, और वो सीरियस मरीज जैसे आया और उनको नहीं पता है कि यहाँ पे, वो तो कहते हैं इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज, यहाँ सीटी स्कैन नहीं होता, अल्ट्रासाउंड नहीं होता, और वो सुविधाएं हमारे हाथ में नहीं हैं, तो उन सिचुएशन में मरीज से झगड़े के चांस काफ़ी रहते हैं। हम लोग को पिछले जो वो सुपरिटेंडेंट पुलिस आए थे, उनसे रिक्वेस्ट की थी तो उन्होंने पुलिस चौकी खुलवा दी थी, लेकिन वो पुलिस चौकी में इतने कम लोग हैं कि वो हमारी बहुत मदद नहीं कर पाते हैं। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमारे डॉक्टर डिफेंसिव हो जाते हैं और मरीज़ को पहले ही रिफ़र कर देते हैं, तो इससे हम सीरियस मरीज़ को नहीं भर्ती कर पा रहे हैं। सीरियस को भर्ती नहीं कर पा रहे हैं तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा सीरियस को ट्रीट करने का, और स्टूडेंट को एक्सपोजर नहीं मिल पाएगा एक पद। तो ये मैन पावर की प्रॉब्लम है सारी। सिक्योरिटी अभी तक हमें नहीं मिली है, सारे मेडिकल कॉलेजों में ये है, हम कई चिट्ठियाँ लिख चुके हैं, पर अभी तक हमें सुरक्षा व्यवस्था के लिए कुछ भी आश्वासन नहीं मिल पा रहा है। एक दूसरा होता है नॉन टीचिंग स्टाफ। नॉन टीचिंग में दो तरह के स्टाफ होते हैं, क्लास फोर जो स्वीपर वगैरह होते हैं, वार्ड बॉय होते हैं, और एक होता है क्लास थ्री जिसमें क्लर्क के लिए स्टाफ, कंप्यूटर ऑपरेटर और नर्सिंग स्टाफ आता है। इनके अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया भी कई तरह से है। एक होते हैं परमानेंट पब्लिक सर्विस कमीशन से सिलेक्ट होकर आते हैं क्लास थ्री वाले नर्सिंग स्टाफ, और अल्टरनेट स्टॉप गैप अरेंजमेंट के लिए इनको आउटसोर्सिंग के थ्रू रखने की प्रक्रिया थी पूर्वांतर में। उसमें अभी बहुत सारे चेंज हुए हैं, बहुत सारी शिकायतें हुई हैं, आपको भी पता है इस प्रक्रिया में बहुत करप्शन है, और उसको बहुत लेवल पे है, उसको चेक कर पाना मुझे लगता है कि किसी के बस का है नहीं। तो उस प्रक्रिया में अभी ये क्या हुआ था, पहले अवनीपर्दी के थ्रू हमारे यहाँ मिल रहे थे एम्प्लाई क्लास थ्री वाले, उनका टेंडर ख़त्म हो चुका था जनवरी 2019 में। हमने टेंडर किया तो हमारा शासन से आ गया कि इस टेंडर को रोक दीजिए अगली प्रक्रिया होने तक, और अब सारी टेंडर प्रक्रिया लखनऊ से ही होगी। लखनऊ से टेंडर प्रक्रिया हुई, हमें बहुत ज़्यादा नहीं पता कि क्या क्या हुआ, पर टेंडर प्रक्रिया हुई और एक लिस्ट आई कि ये 7 एजेंसियां हैं जो फाइनल की गई हैं पूरे यूपी के लिए, और उनमें से हर एजेंसी को दो दो मेडिकल कॉलेज दे दिए गए थे जो हमारे पास चिट्ठी आई। उसमें लॉयल टेक एजेंसी का हमारे पास आया था जो हमें और प्रयागराज मेडिकल कॉलेज को आउटसोर्स एम्प्लाई सफाया प्रोवाइड करेगी। बाद में पता चला कि पर उनका MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग DG ऑफिस से हुआ था, उसमें साफ था कि हम सब सारे एम्प्लाई को देंगे वो, लेकिन फिर कुछ कंप्लेन हुई, किसी ने अवनीपर्दी ने की, किसी और एजेंसी ने की कि नहीं इनको ये नहीं दिया गया वो दिया गया है, तो वो प्रक्रिया रुक गई। ये कहा गया कि सिर्फ टेक्निकल स्टाफ के लिए था, तो टेक्निकल स्टाफ 28 के लिए था उस समय, तो जब तक वो हम उनको ऑर्डर देते तब तक परमानेंट का रिजल्ट निकल गया और वो लोग आ गए, तो हमने उनको ज्वाइन कराना पड़ा, जिसमें 4 पद खाली रह गए थे तो वो इनके थ्रू लिए गए। अब समस्या ये है कि अवनीपर्दी का ख़त्म हो गया है, तो क्या हमें कंटिन्यू करना चाहिए? तो DG ऑफिस से चूँकि लेटर आया है कि जब तक नई व्यवस्था ना हो तब तक इन्हीं एजेंसी से इन्हीं दरों पे लिया जाए। उस समय जो दरें थी वो ज़्यादा थी। उसके बाद एक GO सरकार का आता है अप्रैल में, जिसमें उनके मानदेय फिक्स कर दिए गए, वो मानदेय पुराने मानदेय से कम थे, तो एक तो उससे एम्प्लॉई में बहुत आक्रोश हुआ, असमंजस हुआ, और किसी के लिए भी, मैं ऑनेस्टली एडमिट करता हूँ, हमारी भी तनख्वाह अगर जो मिल रही है अगर कम कर दी जाएगी तो हमें भी असंतोष होगा। तो वहाँ मैं एम्प्लॉई की इस उसमें मैं सिंपैथेटिक हूँ उनके। अब उससे प्रॉब्लम क्या हुई कि जब GO आ गया और चूंकि उनका टेंडर अप्रूव्ड नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका था, तो हमारी मजबूरी ये हो गई कि हम उनको नए वाले मान दे दें। तो जब नए मानदेय हमने देना शुरू किया तो उन्हें एक दो बार हड़ताल पे भी गए, शिकायतें की बहुत हर क्षेत्र, उस पे जाके DM से भी की, कमिश्नर से भी की, चीफ मिनिस्टर साहब के पास भी पहुँचे, तो उनको हमने राइटिंग में सारी जवाब दे दिया कि भाई ये हमारी व्यवस्था है, और हमने क्लेरिफिकेशन भी शासन से मांगा कि हमें बताया जाए कि इनको पुराने वाले मानदेय दिए जाएँ या नए दिए जाएँ, जिसका आज तक हमारे पास कोई जवाब नहीं आया है। तो हम पुराने ही ना दे के अप्रैल के बाद से, जून से, नए वाले मानदेय दे रहे हैं जो कम हैं, तो उस वजह से बहुत से एम्प्लॉई छोड़ के चले गए हैं। इस बीच पता चला कि हाई कोर्ट इलाहाबाद में किसी ने केस किया और ये आउटसोर्सिंग की व्यवस्था पे स्टे कर दिया गया है। उसमें भी अभी तक बहुत क्लैरिटी नहीं है कि स्टे आउटसोर्स पोस्ट पे किया गया है या परमानेंट पोस्ट पे किया गया है। RMS कंपनी के द्वारा कोर्ट पे केस किया गया है नहीं, पर इस बीच 18 दिसंबर को एक नया GO आता है जिसमें लिखा गया है कि आप जो भी अब लेंगे एम्प्लॉई वो जेम पोर्टल से लेना है जी।
और जो एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर्ड हो, ठीक है, तो उसकी स्टेटस क्या है, वो स्टे हुआ है नहीं हुआ है, अगर नहीं हुआ है और उसके हिसाब से जून में 6 महीने में जिससे भी हम कॉन्ट्रैक्ट से ले रहे हैं अभी आउटसोर्सिंग, वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, तो अब हम कैसे लेंगे, किसके थ्रू लेंगे, क्या टेक्निकल क्वालिफाइड स्टाफ हमें मिल पाएगा, उसमें जो टर्म कंडीशन है वो बहुत विषम है, जैसे उसमें ये लिखा है कि उस एजेंसी को पुराने एम्प्लॉय को लेना पड़ेगा, तो वो कैसे लेंगे जेम पोर्टल से, फिर क्या वो एलिजिबिलिटी वाले उनके पास, और हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि ये स्किल्ड एम्प्लॉय है या नहीं, क्योंकि मरीज़ की जो केयर है वो बहुत टेक्निकल होती है, उसकी जान की बात होती है, तो हम किसी भी को भी नहीं ले सकते हैं, उसको ले सकते हैं जो उसके लिए क्वालिफाइड हो और सेंसिटिव हो पेशेंट के लिए, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो और इंडस्ट्री बिजनेस से हेल्थ केयर को डिफरेंशिएट करती हैं, क्योंकि यहाँ आर्टिकल 21 भारतीय संविधान का लागू होता है, हर मरीज की जान बचाना, हर नागरिक की जान बचाना ये सरकार का कर्तव्य होता है, तो वहाँ पे हम किसी ऐसी एजेंसी से ले लें जिसे हम जानते नहीं हैं, उसके कौन से एम्प्लॉय हो सकता है वो क्वालिफाइड हो, आपको भी पता है बहुत से नर्सिंग कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे घर बैठे डिग्रियाँ मिल जा रही हैं, तो वो क्वालिफाइड तो है बट स्किल्ड नहीं है, उस सिचुएशन में हमें क्या करना है, फिर आ गए और वो बिना बताए गायब हो गए, टर्म कंडीशन ये होते हैं कि 2-3 दिन में उनको नया एम्प्लॉय रिप्लेस करना है, तो क्या नया फिर से हम वहाँ पे जाएंगे जेम पोर्टल पे, उसके लिए हमारे पास मैन पावर नहीं है जो जेम पोर्टल की सारी चीज़ देख सके डे टू डे पे, तो बहुत सारे इशू हैं जिन पे मुझे लगता है कि सभी को सोचना चाहिए, समाज को भी और सरकार को भी और हम सबको, और आपके थ्रू इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। इसमें क्या होता है, पढ़े लिखे लोग नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत प्रॉब्लम है, तो बहुत सी एजेंसियाँ उनको दिग्भ्रमित करती हैं, वो कहती हैं कि भाई हम एम्प्लॉयमेंट आपको दिला रहे हैं, पैसा लेते हैं नहीं लेते हैं मुझे नहीं पता, पर खबरें आती हैं कि पैसा लेके किया जा रहा है, तो उन सभी को आपके चैनल के थ्रू जागरूक करने की ज़रूरत है कि पहले वो इंश्योर कर लें कि जहाँ पे भी वहाँ रखा जा रहा है क्या वहाँ पे पद है, पद है तो क्या हमने डिमांड दी है, अगर डिमांड नहीं दी है तो कहाँ से रख रहा है, कौन रख रहा है, क्या कोई सीधे आपसे आगे संपर्क करके पता कर सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, हम ये बता सकते हैं कि हमारी पोजीशन क्या है, और बहुत से लोगों के फ़ोन आते रहते हैं। आपके यहाँ जो भर्तियों की अफवाह हो रही है क्या वो सच है या नहीं, अभी तक मेरी तरफ से कोई नहीं है, चूँकि कोर्ट से क्लियर ही नहीं है अभी तक कि हमें अपॉइंटमेंट करना है नहीं करना है, क्योंकि हमारे मरीज बढ़ रहे हैं और एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं, प्लस सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि उनकी तनख्वाहें कम हो गई, तो हमारी मरीजों की जो केयर है वो अफेक्ट हो रही है, तो उस सिचुएशन में हमें तो चाहिए एम्प्लॉय, और दूसरा हमारे पद ही सृजित नहीं है बहुत सारे, 500 पद सृजित होने के लिए हमारा प्रस्ताव लंबित है अभी, जब वो सृजित होंगे तभी हम रख सकते हैं, और जो एजेंसी क्लास 4 के सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं क्योंकि पुराने ही उनको दिए हैं लॉयल टैग को और मिनिमम दरों पे दिए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लास 3 में प्रॉब्लम है कि हम नया लें तो किससे लें, जो एजेंसी है वो ऑलरेडी उसकी स्टेटस नहीं पता है हमें और हमें क्लेरिफिकेशन नहीं दिया जा रहा है, अभी लॉयल टैग के माध्यम से स्टाफ नर्स की जो भर्ती नहीं की है, नहीं की है ना, कर रहे हैं हम, उनसे क्लास 3 कोई एम्प्लॉय नहीं ले रहे हैं हम, सिर्फ क्लास 4 ले रहे हैं, पद रिक्त हैं लेकिन अभी किसी की ज्वाइनिंग या भर्ती नहीं की जा, नहीं कर सकते क्योंकि कोर्ट से क्लियर नहीं है और हमें शासन से भी कोई अभी निर्देश नहीं मिला इस मामले।